नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश शर्मा आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज का मेरा जो वीडियो है वो कुछ टेक्निकली है, टेक्निकली कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी पहले, जैसे व्हाट्सएप में बड़ी सारी इमेजेस वगैरह आती हैं एडिट करके, फोटोग्राफ्स आते हैं, तो यही दिमाग में चलता था किस तरीके से, कैसे किया होता होगा, कैसे करते होंगे, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन दोस्तों अब मैं सीख गया हूँ कि अपनी पिक्चर्स को कैसे एडिट किया जाता है, या किसी को विश करना हो तो उसको कैसे विश किया जाता है, कैसे वो इमेज क्रिएट की जाती है, कैसे एडिट की जाती है, कहाँ से होती है। तो दोस्तों यही चीज़ जो मैंने सीखी है वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, डायरेक्ट आता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आपको मैं लाइव दिखाऊँगा, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने यहाँ पे पिक्स आर्ट, PICSART, पिक्स आर्ट फोटो स्टूडियो, ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल मैंने तो की हुई है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और आपको भी इजी लगभग आप भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल काफ़ी ज़्यादा करते होंगे, तो आपको पता होगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो प्ले स्टोर से खाली ये ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने, जैसे आपने ये ऐप्स इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आपके डेस्कटॉप मोबाइल स्क्रीन पे एक पिक्स आर्ट का ये लोगो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले कुछ मैंने स्टार्ट किया हुआ था, इसको स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग में सेम ऐसा ही आएगा ये पिक्चर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपकी पिक्चर ऐसे खुलेगी, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लस का निशान है, जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे ये सामने, ये वाला पिक्चर सामने आएगी। तो आपने यहाँ पे नीचे सबसे डाउन में देखो प्लस का निशान है, आपने इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शंस आएंगे, फिर आपने ड्रॉ पे जाना है। ड्रॉ पे जाने के बाद आपने क्रिएट न्यू पे जाना है। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे सारे साइजेस आएंगे कि आप कौन से साइज की इमेज या बैनर या अपना कोई कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, जैसे टैग वगैरह जो भी हैं, थंबनेल जो भी है, तो जैसे थंबनेल वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी सारे यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने ये थंबनेल वगैरह बनानी है, बैनर्स बनाने हैं, या फिर कोई अपने पिक्चर एडिट करनी है, ठीक है। तो मैं अभी करूँगा एक कि किसी का बर्थडे विश करना है, तो आपको मैं उसको एक इमेज भेजूंगा। तो कैसे, यहाँ पे सीधे आ गए, मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे नेक्स्ट चले गए, ऊपर गुलाबी सा आ रहा है, यहाँ पे वाइट कलर का आ रहा है, यहाँ पे फिर से आपने नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेप एंड शेयर आ रहा है और एडिट इमेज आ रहा है, आपने एडिट इमेज पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि किसी को बर्थडे विश करना है तो वो इमेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना बड़ी सारी ऑप्शंस नीचे आ रही हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है। सबसे पहले आपने टेक्स्ट पे गए तो आप यहाँ पे स्मॉल या कैपिटल में जैसे भी लिखना चाहते वैसे लिख सकते हैं, मैंने इसको कैपिटल कर दिया, और यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे अब नीचे आके यहाँ से यहाँ पे किसी का भी नाम दे देते हैं, जैसे XYZ कर देते हैं, ठीक है। हैप्पी बर्थडे XYZ कर दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से सबसे ऊपर आप देखना, राइट साइड में सबसे ऊपर आपने यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों एक सेम ऐसी आपके सामने ये आएगी पिक्चर, लेकिन क्लियर नहीं होगी, तो आपने यहाँ पे कलर देना है। यहाँ पे नीचे देखो, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा आपको सेलेक्ट करना, इसलिए पहले आप कलर दे दीजिए। कलर पे जाइए, यहाँ पे बड़े सारे कलर्स हैं, ठीक है। जो भी आपकी चॉइस है वो वाला आप कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रेड दे दिया, ठीक है। अब देखना आपने सामने हैप्पी बर्थडे, ठीक है, XYZ वो सामने आ रहा है। तो अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए अच्छे तरीके से अपने इमेज के हिसाब से, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप, अब आपको अच्छा लग रहा तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ऐसे
ऐसे ऐसे इस तरीके से, मतलब आपको जिस भी फॉन्ट्स में आपको वो रखना है वो आप ऐसे रख सकते हैं। अब जैसे मैं इसी फॉन्ट में कि या ये सही रहेगा, ठीक है, ये नॉर्मल फॉन्ट मैंने ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये कुछ ज़्यादा बाहर हो गया, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी फॉन्ट्स आपने देने हैं। ओके, हो गया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कुछ अजीब सा लग रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कमी है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे एक अगर केक भी आ जाए तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने तो एक पिक्चर डाउनलोड की थी केक की, तो आप भी सेम कोई जो भी आपने बनाना वैसे आप पिक्चर इसमें एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसमें गया फ़ोटो में, राइट में फ़ोटो है, तो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर डाउनलोड की है, फ़ोटो हैप्पी बर्थडे की, आप देख रहे होंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर ऊपर ऐड वन में गया। अब ऐड वन में गया, ये इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे कहाँ पे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, ऐसे सिलेक्ट कर दिया। और अब मैं सोच रहा हूँ एक जगह खाली लग रही है, मैं दूसरी जगह भी एक फ़ोटो, सॉरी ऐड फोटो में जाके एक फ़ोटो और लगा दूँ। अब मैंने यहाँ पे एक और फ़ोटो एडिट कर दी सेम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये तैयार हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट किया। और यहाँ पे आपने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजना है या आपने गैलरी में सेव करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको गैलरी में सेव कर दिया, ठीक है। अब गैलरी में सेव करने के बाद मैं सीधे अपने कंप्यूटर की गैलरी में, या सॉरी अपने मोबाइल की गैलरी में गया। गैलरी में जाने के बाद देखो ये आ गया दोस्तों। अब मैं इसको व्हाट्सएप से अपने किसी फ्रेंड को भेज सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे किसी भी फ्रेंड को भेज सकता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अपनी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, नई इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था, बाकी इसमें बड़े सारे फीचर्स हैं जो आप खुद देख सकते हैं। जब एक बार जैसे हम कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में फ़ीचर्स का पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम उनको बार बार यूज़ करते हैं तो फिर पता लग जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड बन चुके हैं। मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए आपको बोलता हूँ कि बार बार आप सोचते हो कि सब्सक्राइब का क्या मतलब है। मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास अगर नेक्स्ट जब मैं कोई और वीडियो बनाऊँगा तो वो आपके सामने ईजिली पहुँच जाए, मतलब वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जो भी मेरे नई से नई अपडेशन होंगी या नई से नई कोई भी वीडियो होंगी तो वो आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, सब्सक्राइब तो कीजिए, प्लस लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो उनको भी ये ऐसी सुविधाएँ मिल सकती हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।